लगातार चार हार के बाद आखिरकार आज मिली पाकिस्तान को। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे इस मैच में पाकिस्तान को एक अच्छी जीत मिली है, जो पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम इस साल बहुत बुरा क्रिकेट खेल रही है। पाकिस्तान ने आज अपने टीम में 3 बदलाव किए, जिसका फायदा उन्हें बहुत अच्छा मिला। खासकर फखर जमान, जो इस बार इतने अच्छे फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे थे कि लग ही नहीं रहा था कि फखर जमान ने बहुत दिनों के बाद क्रिकेट खेली है, क्योंकि फखर जमान बैठे हुए थे के जगह पे इमामुल हक जैसे पर्चियों को मौका मिल रहा था, जिसके कारण इमामुल हक ना ही रन बना रहे थे ना ही टीम को कोई अच्छी शुरुआत दे पा रहे थे। लेकिन फखर जमान ने 7 छक्के लगाकर अपने टीम को इतनी अच्छी जीत दिलाई जिसका कोई अंदाजा नहीं है। फखर जमान वैसे भी बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। भारत के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में जितवाने में सबसे अहम किरदार अदा करने वाले बल्लेबाज, जिसने भारत के खिलाफ 140 रन की धमाकेदार पारी खेलकर भारत से चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम करवाया था। लेकिन आज बात करते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान की। तो बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश की टीम मात्र 204 रनों पर ऑल आउट हो गई और 5 ओवर पहले ही ऑल आउट होकर पवेलियन लौट गई। बांग्लादेश की टीम इस बार बहुत बुरी क्रिकेट खेल रही है और यह बात सबको पता है, क्योंकि बांग्लादेश के अपने अंदरूनी मसले इतने बुरे उलझे हुए हैं कि बांग्लादेश की टीम उससे उभर ही नहीं पा रही है। नीदरलैंड जैसी कमजोर टीम से हारकर आ रही थी अभी फिलहाल, और यहां पाकिस्तान से हारकर आज बांग्लादेश की टीम बाहर हो गई। ऑफिशियली इस टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बन चुकी है बांग्लादेश की टीम, क्योंकि अब बांग्लादेश के पास कोई मौका नहीं है कि वो आगे जा सकती है। तो वहीं बांग्लादेश की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए लिट्टन दास ने 45 रन की एक अच्छी पारी खेली थी और 56 रन की पारी महमदुल्ला ने खेली थी, क्योंकि महमदुल्ला इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश के सबसे अच्छे बल्लेबाज साबित हुए हैं, जिसने पिछले मैच में भी एक शतक लगाया था, जो शतक साउथ अफ्रीका के खिलाफ आया था। उसके अलावा कप्तान साकिबुल हसन ने 43 रन की पारी खेली और मेहंदी हसन ने 25 रन की। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज बांग्लादेश की तरफ से कुछ नहीं कर सके। तंजीर हसन 0 पे आउट होकर पवेलियन लौट गए, नजमुल हसन संतो 4 रन बनाकर लौट गए, मुशफिकुर रहीम 5 रन बना सके, तोहिद हिरिदवाय मात्र 7 रन पे ऑल आउट हो गए, तस्कीन अहमद 6 रन, मुस्तफिजुर रहमान 3 रन और शरीफुल इस्लाम 1 रन। वहीं जब बात करते हैं पाकिस्तान के बॉलिंग की, तो पाकिस्तान की तरफ से सबसे अच्छे बॉलर शाहीन शाह आफरीदी ने 9 ओवर में 1 मेडन के साथ 23 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। इफ्तिखार अहमद 10 ओवर में 44 रन देकर 1 विकेट और हारिस रऊफ ने 8 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट लिए। वहीं मोहम्मद वसीम जूनियर ने 8 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेट और उसामा मीर थोड़े महंगे साबित हुए और 10 ओवर में 66 रन खर्च किए और 1 विकेट अपने नाम किए। और जब आई बल्लेबाजी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की तरफ से बहुत अच्छी बल्लेबाजी अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान ने की। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 136 रन की साझेदारी कर डाली। खासकर फखर जमान ने 7 छक्के और 4 चौके जड़े, जिसमें उनकी टीम को जीतने में बहुत आसानी हुई। वहीं अब्दुल्ला शफीक 68 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उन्होंने भी गजब की बल्लेबाजी की। 9 चौके और 2 छक्के की मदद से 69 गेंदों में 68 रन बनाए, जो पाकिस्तान को जीतने के लिए बहुत ही अहम रन थे। और पाकिस्तान की टीम आज जो क्रिकेट खेली है, हकीकत में सबको यही लग रहा था कि पाकिस्तान को ऐसी क्रिकेट खेलनी चाहिए जो उसे शुरू से खेलना था। लेकिन पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान से हार गई, साउथ अफ्रीका से हार गई, ऑस्ट्रेलिया से हार गई। इतने अच्छे अच्छे वो हारे हैं जो उन्हें जीतना चाहिए था, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए देर हो चुकी है। लेकिन अगर पाकिस्तान अपने लगातार बचे हुए 2 मैच जीतते हैं और न्यूजीलैंड लगातार 2 मैच हारती है, तभी पाकिस्तान का कोई चांस बन सकता है। लेकिन पाकिस्तान को एटलीस्ट अपने मैच जीतने पड़ेंगे अगर इसे आगे जाना है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।